और मार्च में जो परीक्षाएं शुरू होने वाली है 27 फरवरी से, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हरियाणा ओपन स्कूल की डीएलएड की इनके जो एडमिट कार्ड्स है कल से जारी हो जाएंगे। सुबह से बच्चे स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आज मुख्य उद्देश्य है। साथ में ही हमने अपना पास फॉर्मूला जो है क्लास 10th में सेकेंडरी में इस बार उसमें सुधार लाया, उसको बदला है। तो इस बार जो पास फॉर्मूला ये रहेगा कि सेकेंडरी क्लास में 10th में जो 33 मार्क्स लेने होते हैं वो पहले दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लेने होते थे। इंटरनल असेसमेंट का जो 20 नंबर था उसमें से 33%, और जो थ्योरी पेपर जो 80 नंबर का होता उसमें से भी 33% अलग अलग लेने होते थे। लेकिन इस बार से कुल मिलाकर दोनों में 33% लेने पर विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति ये अपना अपना फॉर्मूला है, इसमें नई शिक्षा नीति ने इस तरह का कोई फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया है, क्या बताया सर? लेकिन सीबीएसई के तर्ज पर हमने डिसाइड किया, बिल्कुल सीबीएसई में यही फॉर्मूला है और उसे ही अपनाते हुए हमने भी डिसाइड किया कि इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों के नंबर मिला के कुल 33% अगर विद्यार्थी हासिल कर लेता है, अंक प्राप्त कर लेता है, तो उसे पास घोषित कर दिया अगर जाएगा। प्लस टू में भी ऐसे नहीं, ये प्लस टू में नहीं रहेगा, सीनियर सेकेंडरी में अगर नहीं है। इंटरनल असेसमेंट की 20 मार्क्स रहते हैं, इनमें बच्चा कहीं ना कहीं एब्सेंट रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मूला यही है कि इंटरनल असेसमेंट में कुल मिलाकर होने चाहिए तो मतलब उसके नंबर तो देने होंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। नंबर मिलेगी बिल्कुल, लेकिन इंटरनल असेसमेंट होगी। कितने लेने होंगे सर? 30 मार्क्स, 33 मार्क्स। इस बार 1482 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और इसके अंदर जो है 5,80,000 कुल विद्यार्थी जो है प्रविष्ट होंगे, जिसके अंदर 3,07,333 जो है लड़के हैं और 2,73,200 लड़कियां रहेंगी। इस बार हमने क्लाइंट का जो सिस्टम था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्पेशल क्लाइंट होती थी, जैसे चेयरमैन स्पेशल क्लाइंट, सेक्रेटरी स्पेशल क्लाइंट, डीसी क्लाइंट, एसडीएम क्लाइंट, डीओ क्लाइंट, सबको खत्म कर दिया है। इसके बजाय इस वक्त दो ऑब्जर्वर हर सेंटर पर रहेंगे, एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल या लेक्चरर स्तर का रहेगा और दूसरा प्राइवेट स्कूल से प्रिंसिपल लेवल का जो है अधिकारी एज ए सेंटर ऑब्जर्वर रहेंगे। साथ में हमारे स्पेशल क्वेश्चन पेपर प्लाइंग रहेगी, बोर्ड से जो जाएगी वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्लाइंग का काम करेगी, और दूसरा रैपिड एक्शन फोर्स होगा जो बोर्ड से ही रहेगा। किसी इवेंचुअलिटी के अंदर वो तुरंत उस परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर एक्शन लेंगे। सर बाह्य हस्तक्षेप रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे सर? बाह्य हस्तक्षेप के लिए हमने डीजीपी को और हमने जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको पुलिस विभाग के पत्र लिख दिया है, और उपायुक्त महोदय और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन सब को भी व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने ओर से अर्ध सरकारी पत्र भी भेजा है। सर बात करें 10वीं है टोटल कितने विद्यार्थी और 12वीं के कितने? इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी में तो 2,21,484 कैंडिडेट हैं, और जो सेकेंडरी में है 10वीं में उसके अंदर 3,03,859 कैंडिडेट। नकल रोकने के लिए अब की बार भी जो सिस्टम पेपर पर बिल्कुल सिक्योरिटी फीचर्स जो है कोड हम बढ़ाते जा रहे हैं, और इस बार भी जैसे पहले की तरह है अल्फा न्यूमेरिक कोड, QR कोड और बाकी हडिंग फीचर जो है हर क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। बिल्कुल, इस बार हमने मैंडेटरी उन्हीं परीक्षा केंद्रों को सेंटर बनाया है, एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है जहां पर सीसीटीवी कैमरा जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और वहां पर ऑब्जर्वर जो है वो सुनिश्चित करेंगे कि वो सारे कैमरा चल रहे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ऐप के माध्यम से। सर जो दिव्यांग है उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई? दो सेंटर है कहाँ बनाए गए, इसके साथ ही सर जो एडमिट कार्ड है तो विद्यार्थियों को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? एडमिट कार्ड रंगीन होना चाहिए। एडमिट कार्ड के अंदर जो हमने हमेशा हम ये कहते हैं कि एडमिट कार्ड रंगीन होना चाहिए, उसकी कॉपी निकाली जाएगी, और एडमिट कार्ड पर जो भी दिशा निर्देश दिए हैं
उनको पूरी गहनता से पढ़कर उनके अनुसार उसकी अनुपालन करें। देखिए इस बार हमने जो परीक्षा केंद्रों पे ड्यूटी लगाई है वो जेबीटीज की ज्यादातर लगाई है। पहले की तरह ऐसा नहीं कि सीनियर्स को लगाया, जेबीटीज और पीजीटीज उनकी लगाई है। ज्यादातर हमने पीजीटीज को फ्री रखा है और क्योंकि डिजिटल मार्किंग इस बार शुरू होगी तो एग्जामिनेशन शुरू होने के 4-5 दिन के अंदर ही अंदर मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे और हमारा प्रयास है कि अप्रैल के महीने में हम रिजल्ट दे दें। जैसा कि हरियाणा